Now you can also derive the same expression of more EMF induced in a rod, EMF induced in a rotating rod, rod by Faraday's law. Faraday's का जो second statement था d phi by dt आप उससे भी solve कर सकते हैं. अगर आपको ये dx वाला तरीका अच्छा नहीं लग रहा तो एक और तरीका अच्छा सा तरीका है, वो ये कि आपने रॉड जो है वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से मान लो यहाँ रोटेट कर दी बाय वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, यहाँ तक तो पहुँच ही गए किसी ओमेगा स्पीड से. ओके तो जैसे कि हमने आपको भी बताया कि अगर एक सिंगल रॉड मैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे सीधी चलती है तो इट कट्स थ्रू सम मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट एरिया हैज टू बी रिटन विच इट कट्स थ्रू, यस और नो? बिकॉज जब ई एम एफ लिखने जाओगे तो इट विल बी डी फाई बाई डी टी. बी की तो कोई टेंशन नहीं, बी तो चेंज हो नहीं रहा भाई, लेकिन एरिया तो चेंज हो रहा है ना. एरिया कितना कट थ्रू कर रहा है वो तो हमें निकालना पड़ेगा, जैसे कि इस केस में तो हमने एल इन टू एक्स से निकाल लिया. तो यही सर, ये आर्क फॉर्म में कितना कट थ्रू कर रहा है ये हमको निकालना चाहिए. तो एक एक रेडियस कितना एंगल कितना एरिया कट थ्रू करता है वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं उसको, सेक्टर एरिया कैसे निकाला जाता है, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं. लेट अस सी, आप भी यहाँ ले लीजिए और एरिया कैसे निकालेंगे देखना. एरिया, सो एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय एरिया ऑफ सेक्टर कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट से ही निकाला जाता है. यहाँ बेस कितना है इस ट्राइंगल का, रेडियस दैट इज लेंथ, और हाइट कितनी है क्योंकि ये इतना डी थी, ये छोटा सा एंगल डी थीटा है डिफरेंशियल, तो इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं, है ना. ऑन दैट बेसिस व्हाट इज द आर्क लेंथ, एंगल इक्वल्स टू ये आर्क है ना, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इज एल. सो आर्क की जगह पर एल टी थीटा लिख सकते हैं, एल टी थीटा. दैट इज हाउ यू राइट द एरिया ऑफ द सेक्टर. Now as we know that that area we have found out, that small area, area of sector, कितना निकल के आया था, half base into height is L theta and we got sorry T 1/2 L square D theta. So as we know EMF is equals to minus का D phi by dt, minus का D by dt of B into area and we have minus का B dA by dt. Thus तो थीटा एंगल कितना कितना एरिया सब्टेंड करेगा, दिस इज नोन एज फाइनली डी ए. सो वी हैव फाउंड द डी ए, जस्ट पुट इट हियर 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा एंड डिवाइड बाय डी टी. सो ये माइनस का हाफ डी एल स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, ओमेगा. सो देखिए आपका वो फाइनली आंसर आ गया. अब डायरेक्शन आप माइनस प्लस पे ना जाए वो तो मैं लिखता हूँ, आई ऑलवेज मेंटेन, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, इट डजेंट मैटर यू राइट प्लस और माइनस इन द एंड रिजल्ट. एक थर्ड मेथड भी है जो बहुत अच्छा है, ऐसा बोर्ड एग्जाम शायद आज तक आया नहीं है कि ये डेरिवेशन ना आया हो, ठीक है. रॉड वाला बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी यूनिट में. थर्ड मेथड सबको मजा आ जाएगा देखकर, देखना कितना बेहतरीन मेथड है. ईमेल कहीं मिलेगा नहीं आपको कि कहीं लिखा हो ऐसे, मुझे लगता है ऐसे भी किया जा सकता है, देखो कैसे कर सकते हैं इसको. ईमेल क्या है, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, आई एम नॉट राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ डी फाइव बाई डी टी. क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. अगर यूनिफॉर्म है तो डिफ्रेंशिएशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा पूरा चेंज ले सकते हो अपनी मर्जी से कितने भी टाइम में. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से एक वन टाइम पीरियड ले रहा हूँ. तो वन टाइम पीरियड में कितना फ्लक्स फ्लक्स होता है बी इंटू, और एरिया कितना स्वीप होगा वन टाइम पीरियड में, एक पूरे सर्कल के बराबर, पाई एल स्क्वायर, ये सब ना, अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, यस और नो? एक सिंगल टाइम पीरियड 2π, ये देखो आंसर आ गया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. ऐसे भी आप कर सकते हैं, दो लाइन में आंसर आ गया ये. और अगर एग्जाम में आप लिखना चाहते हो लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे इसमें भी.